दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट है और आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे जिसका आप यूज करके अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि जो भी आपका बैंक अकाउंट हो, उस बैंक अकाउंट का आपके पास नेट बैंकिंग एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे कि हमारा SBI बैंक में है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है योनो SBI। तो आप अपने उस बैंक अकाउंट का एक नेट बैंकिंग एप्लीकेशन आता है, उसे आप चालू करिएगा और वहाँ से आप अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है BOV वर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से HDFC का, एक्सिस बैंक का, यहाँ पर कोटक का, सारे बैंकों का होता है। तो उसे डाउनलोड करिए, उसे यूज करिए और वहाँ से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका नेट बैंकिंग एप्लीकेशन यूज नहीं करते हैं या आप यूज नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक तरीका और मिल जाता है, जिसे एक एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है IND Money, यानी कि उस एप्लीकेशन का नाम है IND Money। और इस एप्लीकेशन का काम क्या है, तो इस एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट किया जाता है इंडियन मार्केट में और US मार्केट में, यानी कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में करें या फिर आप US में। और इसमें आप अपना SIP भी चालू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इसी से आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। यहां पर आपको अपना लॉग डालना है और इस तरीके से आपका यह एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको करना क्या है कि यहां पर अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड से अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है। जैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे, इस तरीके से आपका यह दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा होगा कि हमारा यहां पर इस एप्लीकेशन के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एक शेयर के अंदर मैंने इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है, वो आपको यहां पर दिख रहा होगा। बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट कैसे आपको मिलेगा, तो यहां से आ जाइएगा बैक। बैक आने के बाद अब आपको अपने डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आना होगा। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अवेलेबल बैलेंस और यहाँ पर मिलेगा एक बैंक अकाउंट का ऑप्शन। तो आपको अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो इस विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके बैंक में जितना सारा बैलेंस होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और यहाँ से आपका ट्रैक होता रहता है। अगर ट्रैक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मिलेगा एड न्यू बैंक और आप इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट हो, आपको अपने बैंक पर क्लिक करके यहां पर आपको इसे लिंक कर देना है। तो जैसे आप लिंक कर देंगे, लिंक करने के बाद आपका जो बैंक बैलेंस होगा वो यहां पर आपको दिखाई देता रहेगा। जैसे कि हमारा तीन बैंक अकाउंट लिंक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, तो तीन बैंक अकाउंट में हमारा कितना बैलेंस है वो आपको यहां पर दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कि स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करना है। तो स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको अपने बैंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप बैंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहां पर आपको ये दिखाया जाएगा कि आप कितना ट्रांजैक्शन का लेन देन करते हैं, पिछले महीने में आपके बैंक में कितने रुपए आए थे, उसके अगले महीने में आपके बैंक में कितने रुपए आए थे और कितने रुपए आपने ट्रांसफर कर दिए हैं, यानी कि खर्च कर दिए हैं। उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा डाउनलोड, यहां पर अकाउंट स्टेटमेंट और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा दिस मंथ, लास्ट मंथ, यहाँ पर लास्ट थ्री मंथ, लास्ट सिक्स मंथ, लास्ट वन ईयर। तो जितने महीने का आप चाहते हैं अपना, तो आप वो सेलेक्ट करिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम इसी मंथ का सिर्फ चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर दिस मंथ चूज किया है और यहाँ पर मिलेगा, देख सकते हैं, डाउनलोड अकाउंट स्टेटमेंट और उसके बाद डाउनलोड करना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जैसे आप वेट करेंगे, वेट करने के बाद जो आपका स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, बस कंटिन्यू करना है और आपका ये ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर ये हमारा बैंक स्टेटमेंट ओपन हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये हमारा यहां पर जो स्टेटमेंट है, ये हमें IND मनी की तरफ से मिला हुआ है और हमारा स्टेटमेंट देख सकते हैं पूरा का पूरा आ चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, कितना अमाउंट यहां पर बाहर निकाला गया है। जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये अमाउंट आपका इसके अंदर क्रेडिट हुआ है और जो आपको यहां पर रेड कलर में, यानी कि जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये आपका अमाउंट इस बैंक अकाउंट से निकाला गया है और आपका अवेलेबल बैलेंस कितना कब रहा है वो आपको सारा कुछ यहां पर दिख जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ दिस मंथ, यानी कि इस महीने का ही निकाला हुआ है। तो जो आपको डेट यहां पर दिख रहा होगा, 1 अगस्त से 15 अगस्त, यानी कि 15 दिन का ये स्टेटमेंट है। और इसी प्रकार से आप 1 महीने का, 2 महीने का,
3 महीने का, या फिर आप यहाँ पर अपना 6 महीने का सारा अपना स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं सिर्फ आप INDmoney मनी एप्लीकेशन का यूज करके, जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ है। तो अगर आप यूज करते हैं तो ऐसे निकाल लीजिएगा, अगर नहीं यूज करते हैं तो इसके अंदर अपना अकाउंट सबसे पहले बना लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।